काना की नगरी वृंदावन में सिख समुदाय के प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज का 551वां प्रकाश वर्ष श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। किशोरपुरा स्थित गुरुद्वारे पर सुबह ही सिख समाज के लोगों ने शब्द कीर्तन और प्रवचन आदि धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं दूर दराज से आए सिख श्रद्धालुओं ने जयंती उत्सव कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस संबंध में खालसा प्रचारक गुरविंदर सिंह ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के बारे में जानकारी दी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज बहुत ही अच्छा दिन है, साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 551 साल गुरुपर्व को हो गए हैं। आज के दिन गुरु साहिब जी ने संसार पे जन्म लेकर और कुल कायनात को, संसार को, सृष्टि को तारणक किया है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी एक रब में विश्वास रखने और कीर्त करो, नाम जपो और वन चको का उपदेश देकर और केस रखने का उपदेश देकर इस संसार में लोगों को उदार करने के लिए आए। साहिब श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी, जिन्होंने अपनी कुल जिंदगी में चार बड़ी यात्राएं, जिन्हें हम सिख पंथ में उदासियां कहते हैं, उदासियां कर करके जिन्होंने पूरे संसार को एक परमात्मा के साथ में जोड़ा और उनका उद्धार किया, अनेकों सिख संगत उनके साथ में जुड़ करके जिन्होंने अपना उद्धार किया, आज उनका गुरुपर्व मना रहे हैं, उनका आगमन पर्व मना रहे हैं। आज के दिन उन्होंने माता तृप्ता को कुख से जन्म लेकर मेहता कालू जी के गृह में उन्होंने जन्म लिया। साहिब श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बचपन से रूहानी और जोत रूप परमात्मा थे, जिनके बारे में भट्ट साहिबान ने गुरबाणी में लिखा है, जोत रूप आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद अंग संग पयो तत् स्यों तत् मिलायो। साहिब श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी खुद परमात्मा स्वरूप आप संसार में आकर के उन्होंने लोगों पर बलती हुई जो ज्वाला थी, जो कलयुग के अंदर विकारों की ज्वाला, जो कलयुग के अंदर लोग झूठ, चोरी, डकैती और अपना धर्म ईमान गवा चुके थे, उन लोगों के ऊपर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने दया की है। साहिब श्री सच्चे पातशाह जी इस संसार में आकर के उन्होंने कल तारण गुरु नानक आए, भाई गुरुदास जी उनके बारे में ये वचन करते हैं कि कलयुग के अंदर संसार में साहिब श्री गुरु नानक देव जी संसार को तारने के लिए आए कलयुग के अंदर, क्योंकि जब व्यापा देखा ध्यान तल जलती सब पृथ्वी दिशा आई, कि जब विकारों में, झूठ में और धर्म को खो करके जब सारा संसार जलता जा रहा था, तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने जब ध्यान लगा करके देखा तो सारी सृष्टि जल रही थी, तो इन विकारों में जलती हुई सृष्टि को बचाने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए साहिब श्री गुरु नानक देव जी आज के दिन प्रकट हुए। उन्हीं का गुरुपर्व हम मना रहे हैं वृंदावन गुरुद्वारा नानक किला यूपी में। आज यह गुरुपर्व कीर्तन हो रहा है, साहिब श्री का अंडर पाठ आरम्भ किए हुए थे, आज तीन दिनों के बाद का भोग पड़ा है। यह पूरा ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रबंध चल रहा है, बड़ी ही उनके सलाहा से, उनके सहयोग से पूरा प्रबंध, यूपी सिख मिशन हापुड़ उनका पूरा प्रबंध यहाँ पे चल रहा है, उनका बहुत सहयोग है। ज्ञानी ब्रिजपाल सिंह जी इंचार्ज और यहाँ के सारा स्टाफ बहुत ही श्रद्धा भावना के साथ में यहाँ गुरुपुरब मना रहा है, और हम ये आशा करते हैं कि हम पूरी कायनात को, संसार को, लोगों को एक ये उपदेश दे सके कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी जिन्होंने मानवता